राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और एकदम यम्मी यम्मी आइसक्रीम की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरे घर में ये सबको पसंद है, मुझे भी और मेरे बच्चे को भी। तो अभी आम का सीजन चल रहा है तो कुछ ना कुछ बन रहा है, तो इसलिए मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो आइसक्रीम और मैंगो मटका कुल्फी, तो एकदम रबड़ी के स्वाद में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं एकदम झटपट और एकदम आसान तरीका से। आप भी जरूर एक बार ट्राई करिएगा। तो देखिए मेरी मटका कुल्फी बनकर तैयार है, तब मैं आपको खा के इसका टेस्ट बता रही हूँ। एकदम बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप भी जरूर एक बार ट्राई करिएगा। इस तरह से बना के अपने बड़े बच्चे को सबको खिलाइएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी खाने के बाद। तो आपने देखा कि आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप मार्केट से लाने भूल जाएंगे इस तरह से बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए देखिए हाफ लीटर के लगभग दूध ले लिया, एकदम क्रीम वाला दूध हमने लिया है। और इसे अब हम गाढ़ा होने तक इसे पकने देंगे। तो इसमें देखिए अब मलाई जमने लगी है, तो साइड साइड से मलाई जम रहा, तो इसे हम निकाल के इसे बीच में कर देंगे और दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे अब हम। तब हम देखिए आधा किलो के लगभग हमने आम ले लिया है, एकदम पका हुआ आम। आपके पास जो भी आम है आप वो ले लें। तब हम इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है, अब हम इसका डंठल काट के निकाल लेंगे। अब हम इसे छील लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए कितनी आसान तरीका से ये छीला जा रहा है। तब हम सारे आम को इसी तरह छील लेंगे। तब हम इसका पल्प निकाल लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरह हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे आम को और इसका गुठलिया को अलग कर लेंगे। तो गुठली में बहुत ही आम लगा था, तो मैंने इसे चूस कर खा लिया आम को और जितने पल्प थे उसको निकाल लिया है। आम बहुत ही मीठी है, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी घर में आम आता है तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ, मैंगो शेक हो, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो कुल्फी। तो हम सारे आम का पल्प निकाल लिए इस तरह से। तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तो हमने इसमें ठंडा दूध ले लिया और इसमें एक कप के लगभग हम अमल पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे 3 से 4 चम्मच के लगभग। तब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और थोड़ी सी हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, इससे एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध जम जाएगा, इसलिए। तो आप चाहे तो डालें, आप नहीं भी डाल सकते। तो हम इसे अच्छी तरह से ना, देखिए दूध भी हमारी एकदम अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुकी है और मलाई भी देखिए कितनी जम चुकी है। तब हम ये अमूल पाउडर घोल के रखे थे, अब हम उससे इसमें डाल के इसे भी मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से और फिर हम इसे गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए दूध एकदम से गाढ़ा हो चुकी है। तब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए दूध एकदम गाढ़ा होने लग रही है। तो इस तरह से आप बना के खिलाएंगे ना, बड़े बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही तारीफ करेंगे आपके। तो आप इस तरह जरूर बनाइएगा। तो आप चाहे तो नॉर्मल ही गैस और मैं दूध और दे के भी बना सकते हैं। तो मैंने फ्रिज में मलाई जमा कर रखा था 1 कटोरी के लगभग, तो इसे भी हम इसमें मिला दिए हैं। तो मैं इसलिए बोली थी कि एकदम रबड़ी वाली फ्लेवर वाली आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। तो देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है दूध। तब हम मैंगो प्यूरी बना लेंगे। तो हम सारे मैंगो पल्प को जार में डाल देंगे इस तरह से।
तब हम इसका प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ किस तरह से एकदम से गाढ़ा गाढ़ा मैंगो पल्प बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम पीस लेंगे। तो देखिए दूध भी एकदम गाढ़ा हो चुकी है, एकदम रबड़ी बन चुकी है। तब हम इसमें मैंगो पल्प को भी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया था, अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुकी है। तब हम इसमें मैंगो पल्प डालकर इसे भी मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए है ना एकदम आसान बनाना। तब अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम आपके पास जो भी हो कप गिलास या फिर आइसक्रीम मोल्ड जो भी रखा हुआ आप उसे इसमें डाल दें और बस फ्रिज में रख दें। तो आप चाहे तो 4 से 5 घंटा में भी ये जम जाती है, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट पूरा छोड़ दे जमने के लिए। तब हम इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो हम ये मटका ले लेंगे। तो मैं मटका कुल्फी भी बना रही हूँ, मैं एक ही ग्रेवी से देखिए 3 तरह की आइसक्रीम बना रही हूँ। तब हम मटका में भर देंगे। तो एकदम यम्मी यम्मी मैंगो कुल्फी और मटका आइसक्रीम सब बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है आम के दिन। तो आम तो मैं बहुत सारी आइटम बनाते रहती हूँ। तो इसमें हम काजू पिस्ता बादाम से सजा देंगे ऊपर से। तो देखिए देख के लग रहे हैं ना खाने का मन। तो अब मैं आइसक्रीम मंगाई थी वो डब्बा रखा था, तो इस डब्बे में मैं आधा डाल दूंगी। तो अब मैं थोड़ा सा बचा के रखा है तो इसके लिए मैं आइसक्रीम मोल्ड में डाल दूंगी, आइसक्रीम बन जाएगा ये। तब हम इसे थोड़ी टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तब हम मैंगो पल्प थोड़े से काट के हमने रख लिया था और काजू पिस्ता बादाम से हम इसे सजा देंगे। और देखिए छोटे छोटे आम के टुकड़े मैंने काट के रख दिए। तो इस तरह से डालिएगा ना तो ये मुंह में जब आम आता खाते समय तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से सजा दीजिए। तब हम एक चम्मच से इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तब हम ये पेपर लगा कर ढक्कन लगा देंगे और हम इसे जमने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए मैं तो रात भर छोड़ दी थी तो मैं अब निकाल रही हूँ फ्रिज से। तो देखिए मैंने आइसक्रीम मोल्ड में, मटका कुल्फी में और ये डब्बा में मैंने सब में जमा कर रख दिया है। आम बहुत सारा आम आया था घर में तो एक एक करके मैं निकाल रही हूँ। देखिए तो मैंने कटोरी ले लिया है, अब इसका ढक्कन खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से जम चुकी है आइसक्रीम। तो मटका कुल्फी भी बन चुका है देखिए। तब मैं इसे चम्मच की सहायता से इसे निकाल के कटोरी में दूंगी। तो मेरे बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं जल्दी दीजिए बोलकर। तो मैं जल्दी से कटोरी में निकाल रही हूँ और बच्चे लोग के लिए। तो इसे निकाल कर इसके ऊपर भी मैं काजू पिस्ता बादाम ऊपर से सजा दी हूँ। तो आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मेरी मटका कुल्फी और आइसक्रीम की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो देखिए इसे मैंने थोड़ा पानी में रख दिया था, आइसक्रीम भी जम कर तैयार है। तब मैं इसे भी निकाल कर दिखा रही हूँ। तो देखिए आइसक्रीम बन चुका है। तो गर्मी बहुत है तो ये पिघल जा रही है देखिए। तब इसके ऊपर भी मैं काजू पिस्ता बादाम ऊपर से सजा दी हूँ।
तो एक ही ग्रेवी से मैंने देखिए तीन किस्म के आइसक्रीम बनाकर तैयार कर दिया है। तो देख के लग रहा है ना, खाने का मन कर रहा है ना आपको, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो आप इसी तरह घर पर बनाए, बाजार से लाने की जरूरत नहीं केमिकल वाला, और बड़े बच्चे सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक